ये आपके सूरी साहब की फेवरेट है, बूंदी मसाला मूंग दाल। गाइस सबसे हैंडसम बंदा जो होगा वो मेरा भाई है। मैं थोड़ी देर में आपको अपने सारे जितने भी मेरे चीजें आपको बताई हैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? सो वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग की शुरुआत आज शाम से हो रही है क्योंकि टाइम क्या हुआ अभी? व्हाट्स द टाइम? टाइम हो रहा है 6:10। आज सौरभ घर पर नहीं है, ही इज ऑन अ वर्क ट्रैवल, तो वो स्कॉटलैंड गया हुआ है। और हम दोनों सुबह सुबह ही अपने अपने कामों पर चले गए थे। ही वेंट टू स्कूल एंड आई वेंट टू ऑफिस। बस उसके बाद अब घर आए हैं। बीच में बहुत सारी और भी चीजें हुई, इसको स्कूल से पिक करा, डिनर विनर करा, तो अब हम दोनों बैठे हैं और मैं इसका होमवर्क करा रही हूँ, कल इसका टेस्ट है। Can you sound for me, please? And the last one is what? दिव्या ने मुझे मेरी ड्यूटी से थोड़ा ब्रेक दे दिया है। और वो कहते हैं ना कि एक कहावत होती है, याद नहीं आ रही, पर छोड़ो कहावत को आप, तो आपको तो पता ही है। ऐसे की बात भी सही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बंदा घर पे है, जब टीचर घर पे बैठी है तो मैंने सोचा मैं क्यों गोइंग डे आफ्टर टुमारो। अगर एक दिन के लिए मुझे छुट्टी मिल सकती है टीचर बनने से, होल्ड ऑन, ही इज गोइंग डे आफ्टर टुमारो। बट गाइस मैं आपको बताना चाहती हूं, ये बच्चा इतना भी सीधा नहीं है जितना आप लोगों को दिखता है व्लॉग में। खुश हो रहा है तो मैंने कहा अभी वी आर गोइंग आफ्टर टुमारो विल यू मिस अस 10% कैन द होटल रूम विल बी बैक टू अस अगेन। चलो पढ़ाई कर लो, ठीक है? हमने टीचर बुलाई है इंडिया से, इतनी दूर से कोई टीचर नहीं आती। चलो चलो अभी सबको गुड नाइट बोलो जल्दी से। मुझे ना कल पिलोज पे कवर भी चढ़ाने हैं। पता है पिलोज पे कवर ही नहीं चढ़ाने देता है लड़का मुझे। तो फाइनली अबीर सो गया है, बहुत थका हुआ था वो। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ क्विक सा बना लेते हैं डिनर में। अर्जुन और दिव्या भी नीचे आते होंगे, कुछ भी जल्दी से बनाकर डिनर करते हैं और फिर आई गेस सबको सोना होगा क्योंकि आज पूरा दिन अर्जुन और दिव्या भी शॉपिंग कर रहे थे, मैं काम पर थी, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज़ वेरी वेरी टायर्ड। सूरी साहब हमारे गए हुए हैं जैसा कि मैंने बताया स्कॉटलैंड, और कल आएंगे सूरी साहब। He wants to go come with you. He's so good morning. This is my favorite day, Friday, because we have swimming in school and I'm going to Mommy's house. Lovely. And here is Kichu who woke up very very early today. Kichi? Kichu is drinking milk. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जा रहे हैं अबीर को स्कूल ड्रॉप करने। सो गाइज अबीर को स्कूल छोड़ दिया है, बहुत बहुत जल्दी में थे हम, कार में कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी ऑब्वियसली, और बस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और जल्दी से स्कूल पहुँचना था, सो मैं आपको दिखा नहीं पाई जब वो स्कूल जा रहा था। एनीवेज उसने आप सबको बाय बोला है और मेरे साथ आज कॉफ़ी मॉर्निंग पे आया है कोई स्पेशल, तो हम दोनों मम्मीज कॉफ़ी मॉर्निंग पे आई हैं और थोड़ा गपशप करेंगे बिकॉज दिव्या बहुत जल्द अपने घर जाने वाली है, अपनी यूनिवर्सिटी जाने वाली है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम, जो भी हमारे पास जितना भी टाइम बचा है हम वी आर ट्राइंग टू स्पेंड इट टुगेदर। तो मैंने कहा चल यार कॉफ़ी पी के आते हैं, यू नो, तो बस अब दोनों जा रहे हैं कॉफ़ी मॉर्निंग पे और कॉफ़ी पियेंगे। तो गाइस हम लोग एक कैफ़े में आए हैं, अभी के स्कूल के पास ही एक कैफ़े है, वहाँ पर आए हैं और हम लोग ही लाइक मैं हम लोग क्यों बोल रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम तीनों आए हैं यहाँ पर और बस हम अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और टीचर ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर रहे हैं। देखो क्या खा रहा है, किचू खा रहा है फ्रूट्स और चीज़ पैटी। तो बस हमने अपनी कॉफ़ी डेट ख़त्म करी और वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी मिल गई राशि, तो राशि और मैं स्पाइस जेट में इकट्ठे काम करते थे, है ना, तो हम लोग स्पाइस जेट में इकट्ठे काम करते थे और मैं राशि को एक बार ऐसे ही कोई लाइक आई थिंक इट वाज नॉट प्लान, लाइक मेरे को मालूम भी नहीं था कि
ब्रिस्टल में रहती है और मैं ब्रिस्टल स्टेशन से जा रही थी और इसने मुझे पीछे से आवाज मारी और मैंने भी जब प्रीति को देखा तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आया कि वही प्रीति है जिसे मैं इंडिया से जानती हूँ या ये कोई गोरी है, इसलिए मैंने इसे अप्रोच नहीं किया कि कोई शायद मैं अपने बाल बाल ठीक कर लूँ, बहुत ही गंदी दिख रही हूँ अभी तो। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये कोई गोरी है जो प्रीति जैसी दिखती है या एक्चुअली मैं प्रीति है, तो मुझे बहुत टाइम लगा इसे अप्रोच करने में, लेकिन जैसे ही मैंने बात करी इसे लगा हाँ ये प्रीति है क्योंकि गोरी ऐसे बात नहीं कर सकती। एनीवेज हमारे साथ दिव्या तो है ही और कीचू भी, तो बड़ा मजा आया हम तीनों को, वी एंजॉयड आवर कॉफी मॉर्निंग एंड थैंक यू राशि फॉर योर कंपनी। थैंक यू प्रीति। और राशि इंस्टाग्राम पे है, मैं राशि का लिंक डाल दूंगी, आप राशि को जरूर फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, शी डज अमेजिंग वर्क एट इंस्टाग्राम, सो नॉट एज गुड एज हर, कोई नहीं सकते, बहुत हम्बल है यार ये। हेलो एवरीवन, तो आज कॉफी मॉर्निंग हमारी अच्छी रही है ना, तो जैसा कि मैंने बताया दिव्या जाने वाली है, तो अभी हम जा रहे हैं इंडियन मार्केट। हाँ जी। तो दिव्या को अपने घर की कुछ शॉपिंग करनी है, वो क्या शॉपिंग करती है वो आप उसके ब्लॉग में देख लेना, मैं आपको थोड़ी सी इंडियन मार्केट दिखा दूंगी और चलते हैं फिर। हाँ जी। ठीक है, कीचू को हमने सुला दिया घर में। यस। और डैडी इज ऑन ड्यूटी टुडे। यस, लेट्स गो। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन मार्केट में, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंडियन शॉप्स हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी शॉप्स हैं, इस एरिया को बोलते हैं ईस्टर्न, और ये ब्रिस्टल में है, और बस अभी आपको अंदर लेके चलते हैं इस दुकान के जिसका नाम है ब्रिस्टल स्वीट मार्ट, और यहाँ पे सारा सामान मिलता है, जो भी आपको इंडियन चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं बड़ी ईजीली, और बस चले अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ मिलता है, भेलपुरी, पापड़ी चाट, ये देखें आप, ये आपके सूरी साहब की फेवरेट है, बूंदी, मसाला मूंग दाल, मुझे तो बोलते हुए भी हंसी आ रही है क्योंकि यू नो परदेश में आकर जब आप देसी चीज़ें देखते हो ना तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये वो जगह है जहाँ अपनी सारी इंडियन चीज़ों की शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम रहते तो यूके में हैं लेकिन खाना देसी ही खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हाउएवर वी लाइक टू ईट इंग्लिश फूड ऑल्सो, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक यू हैव सीन इन माई ब्लॉग्स ऑल्सो प्रीवियसली दैट वी लव टू ईट इंडियन फूड, ऑब्वियसली यार पले बड़े हम इंडियन खाना खाकर हुए हैं तो उसको तो हम भूल नहीं सकते। तो ये रही हम सब की प्यारी मैगी, यहाँ पर मैगी भी मिलती है, यहाँ पर चिंग्स की नूडल्स भी मिलती हैं, सो आई होप आई प्रनाउंस इट राइट, इट्स कॉल्ड चिंग्स ओनली, पता नहीं चिंग्स है कि क्या है, जो भी है आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यार यहाँ पे इतना सारा इंडियन स्टफ है ना कि मैं आपको क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं, मैं तो जब भी यहाँ पर आती हूँ मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रहती है, मुझे लगता है मैं सब कुछ खरीद लूँ मैं, बट हाँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं वो चीज़ें ले रही हूँ जो घर में ख़त्म हो गई हैं और जिनकी बहुत ज़रूरत है, और दिव्या अपनी शॉपिंग कर रही है, तो चलते हैं अब, मुझे लगता है मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। गाइज ये देखिए आप, रामदेव का हाका नूडल्स, चाउमीन मसाला भी मिलता है यहाँ पर, वाओ, जय रामदेव। हाँ जी। तो हाँ जी भाई हमारी हो गई है शॉपिंग ख़त्म, मतलब कि मेरी तो क्या ही बनी थी, दिव्या की हुई है, कहाँ आ गए और अब हम आए हैं आपके फेवरेट सूरी साहब को लेने। सूरी साहब से मैं कुछ तकरीबन दो दिन के बाद मिल रही हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि हम कैसे मिलेंगे, है ना, कैसे क्या मिलेंगे, आएंगे बैठेंगे साथ में तो कैसे मिलेंगे, यार प्लीज यार कम ऑन, मेरे से ज्यादा मेरा बेटा एक्साइटेड है जो कि आज मूवी नाइट पे गया हुआ है। हाँ, वो तो 5:30 उठ गया था। हम आपको सुबह बताना भूल गए थे, वो आज 5:30 उठ गया था, आज उसकी मूवी नाइट है उसके फ्रेंड मैटी के घर पे, जो कि एक स्पेनिश बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा, गाइस सबसे हैंडसम बंदा जो होगा वो मेरा भाई है। हेलो सुरी साहब गाड़ी के लिए डायरेक्शन देते हुए हमेशा की तरह, तो आ गए हमारे सूरी साहब। हेलो भाई, ऐसा लग रहा है मैं तेरे से 2 साल बाद मिल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन देख लो हमने कैसे इनके साथ बिताए कि इनको 2 साल लगे, समझ गए आप, 2 साल 2 दिन 2 साल। ऐसे हम घर आ गए हैं और ऑनेस्टली ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मुझे कोई शो ऑफ करना है, कोई ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ
कि आप जरा मेरे पीछे देखें, सूरी साहब घर आते साथ ही इन्होंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं एंड ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी. यू नो दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट हिम, कि ये बंदा चाहे कितना भी थका हुआ क्यों ना हो ये मेरी हेल्प जरूर करता है. और मैं इसको बहुत मना कर रही हूँ कि तू मत कर, क्योंकि अभी इसकी कॉल्स भी हैं. मैं इसे कह रही हूँ तेरी कॉल्स हैं तो अपना आराम से बैठ जा थोड़ी देर, क्योंकि उसके बाद इसको अबीर को भी पिक करने जाना है. बट यही तो इम्पोर्टेंट है ना, क्या करेंगे. आते साथ इसने किचन में मोर्चा जमा लिया, क्योंकि मैंने अपने शायद कुछ पहले वाले ब्लॉग्स में बताया था कि हमारे घर में डिश वॉशर सौरभ ही लगाता है, क्योंकि सौरभ को ऐसा लगता है कि उससे बेटर कोई डिश वॉशर लगा नहीं सकता. एंड विच इज ट्रू ऑल्सो, तेरे से बेटर कोई डिश वॉशर लगा भी नहीं सकता. नहीं ऐसा है, आज फ्राइडे है तो अब हम खत्म करेंगे सब कुछ, काम वाम भी खत्म हो जाएगा. और आज लास्ट नाइट है अर्जुन और दिव्या के हमारे घर पर, तो विल मेक श्योर कि जितना हो सके हम सब लोग फन करें और मजे करें और खूब सारी बातें करें, क्योंकि कल से वो लोग एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं. एंड या वी आर रेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक मोर देन अस, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक. और बाकी तो आप देखते ही रहेंगे कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. गाइस ये लोग जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं मैं कल क्या करूँ. तो आ गए अभी सूरज जी वापस. हाउ वॉज इट? Yes, good. So what you guys did? You and Matty? Play video games. Video games, oh my god. He and Marvin Claw. Kichu? Kichu ko paani peena. Pee ke dikha. Kar de phir. Ye paani peene ke baad aise kar. Bla 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 bla. Kichu do. Bla 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 bla. एक बार कर दे. अब लब 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 किचड़ी. अब लब 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 लब. आज दशहरे का भी त्योहार है, तो सबको पहले तो दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो. वेल आज यूके में भी दशहरा है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में दशहरा है, लेकिन जब तक आप मेरा व्लॉग देखेंगे शायद दशहरे से अगला दिन हो चुका होगा. बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इंडिया की तरह दशहरे वाले दिन छुट्टी नहीं होती है, तो आज हमारा काम था. और बिकॉज आज फ्राइडे भी है, तो मंडे टू फ्राइडे बहुत ही बिजी रहता है, जैसे आपकी आपने मेरे और व्लॉग्स में भी सुना होगा मुझसे. तो अनफॉर्चुनेटली आज दशहरे के दिन भी हमारी छुट्टी नहीं थी, और अष्टमी और रामनवमी वाले दिन भी हमारी छुट्टी नहीं थी. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए. तो हमने आज अपने घर में एक प्रसाद बनाया है. सो आई हैव मेड पूड़ीज, आलू की सब्जी, रायता, हलवा और वो काले चने की जो सब्जी होती है वो बनाई है हमने. तो हम सब बस मिलके फटाफट से पूजा करेंगे और फिर वी ऑल गोइंग टू हैव डिनर. बट हमारी तरफ से आप सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो. मैं थोड़ी देर में आपको अपने सारे जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ. आई होप यू गाइज विल लाइक इट. मैंने आप लोगों की तरह ज़्यादा डिलिशियस तो नहीं बनाई होंगी, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. आई होप कि घर में सबको पसंद है. तो चने हमारे रेडी हैं, हलवा भी रेडी हो चुका है, बस इसको एक बार और स्टर करना है मुझे. और ये रही हमारी आलू की सब्ज़ी, आई होप कि सबको पसंद आए और अच्छी बनी हो. और ये रहा हमारा पूड़ी का आटा. तो बस अब मैं पूड़ियाँ तलना शुरू करूँगी और हम सब आराम से बैठकर ये डिलिशियस खाना इन्जॉय करेंगे. डिलिशियस है कि नहीं ये तो खैर अर्जुन, दिव्या और सौरभ ही बताएंगे. तो गाइस हमारा दशहरा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे बढ़िया तरीके से, सात्विक भोजन के साथ. पूड़ी है हमारे पास, चने हैं, अरे हलवा अंदर रह गया. हलवा तो ऐसे बने कि एक बार पूरी पूड़ी उसमें तली गई है ऑलिव ऑयल में. ऑलिव ऑयल में, हाँ, इससे ना प्योर नहीं होता. दशहरा सेलिब्रेशन हो रही है. ओके चलो, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन. हैप्पी दशहरा टू एवरीवन. तो गाइस बहुत थक गए हैं, बहुत रात के 12:15 हो रहे हैं, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं. एक्चुअली मुझे लगता है मैं खाना खा कर थक गई. खा के नहीं भाई, बना बना के थक गई. इतना खाना कौन बनाता है, मैं तो हलवा भी नहीं खा पा रहा था. मैं आपको एक बात बताऊँ, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि दशहरे के दिन यहाँ पर छुट्टी होती नहीं है, और नवरात्रि के टाइम पे भी लाइक मोस्ट ऑफ द डेज वर ऑन वीक डेज ओनली, तो छुट्टी थी नहीं हमारी. तो मैं ना वो मिस कर रही थी, वो फील, वो नवरात्रि की फील, वो हलवा.
मुझे मतलब इतनी शांति हुई कि दिन भी अच्छा था, मैंने देर से करी चीजें लेकिन आई डिड इट ओके। ये मायने रखता है आई थिंक कि आपकी यू नो दिल से वाला होनी चाहिए, नहीं भावना प्योर होनी चाहिए, भावना यू नो फीलिंग्स एकदम प्योर होनी चाहिए। हाउएवर जैसा कि सौरभ ने कहा हम बहुत थक चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सोने और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत जल्द हमारे 50K होने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाले हैं। इनफैक्ट जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे शायद मेरे 50K हो चुके होंगे, होपफुली फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज, और या लेट्स सी नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है। प्लान तो बहुत कुछ कर रखा है, बहुत सारा धमाल होने वाला है, बहुत सारी मस्ती होने वाली है, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें हमें सेलिब्रेट करनी है। सबसे मेन चीज़ है कि जो खुशी भी है और थोड़ा सा हम उदास भी है, क्योंकि दिव्या अर्चना जा रहे हैं, सूर्य साहब ना बहुत थक चुके हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई, कुछ तो जा रहे हैं भाई, पास भी तो जा रहे हैं, इतनी क्वालिटी तो जा रहे हैं, तो जब मैं कहूँगी तब ले जाओगे मुझे? डील 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 और नो डील? डील, राइट ओके। तो यस कल हम जा रहे हैं उनके नए घर और होपफुली सब कुछ अच्छा अच्छा जाए उनके साथ, और जैसा कि मैंने कहा होपफुली कल मेरी 50K सब्सक्राइबर्स हो जाए आपकी वजह से। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज गाइस प्लीज कम ऑन, और तब तक के लिए थैंक यू बाय।